हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका BR46 ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिव्यांशु, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यामा R15 वर्जन 3 जब थोड़ा सा ज़्यादा चल जाती है, गाड़ी लगभग मेरी देख के चल चुकी है 18,000 किलोमीटर, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है कि इसका गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है गियर शिफ्टिंग के लिए। जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ तभी इस गाड़ी का गियर शिफ्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? और कभी कभी क्या होता है कि जब मैं एग्रेसिव राइड करता हूँ, आप लोग तो जानते हैं कि V3 है तो इसे तो कोई स्लो चलाएगा नहीं, कभी कभी तो एग्रेसिव राइड करना ही पड़ता है। जब मैं इस बाइक को थोड़ा सा एग्रेसिव राइड करता हूँ तो क्या होता है कि गाड़ी में फॉल्स न्यूट्रल पड़ता है। तो आज इसी का सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए हमें ये हमारे पास देखिए है 380 रुपया, और ये है हमारा गियर लीवर। चलिए दुकान पे चलते हैं और इसको चेंज करते हैं, उसके बाद आप लोग को परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और अगर बात करूँ इसे चेंज करना क्यों ज़रूरी है तो मैं आपको थोड़ा सा रुक के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही प्ले आ जाता है। प्ले आने की वजह से क्या होता है आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए इतना ये फॉल्स प्ले है, ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा फॉल्स प्ले है इसमें। जिस वजह से क्या होता है ना कि जब भी हम ऐसे गियर शिफ्ट कर रहे थे इतना तो पहले ही फॉल्स आ जाता है, ये देखिए ये इतना फॉल्स आ जाता है फिर। और शिफ्टिंग जब भी अप करते हैं तो हमको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब कि इस तरह आप बोल लो कि इसका फिटिंग करते हैं। ये देखिए ये फॉल्स न्यूट्रल हुआ ना, ये मैंने जान के नहीं किया, जब भी मैं आराम से शिफ्ट करता हूँ तो ये फॉल्स न्यूट्रल देता ही देता है। प्रॉब्लम को थोड़ा सा पता करने में मुझे टाइम लगा, लग गया तो इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही था, सॉल्यूशन निकाल लिया इसका, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। कभी भी जब एग्रेसिव राइड कर रहे हैं उसको फॉल्स न्यूट्रल पड़ जाता है गाड़ी तो इतना ही ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस होता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप गाड़ी खींचने में लगे हुए हैं और गाड़ी अचानक से उस तरह में क्या होता है कि आपकी एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये देखिए MT15 जा रही थी, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे वो बाइक। चलिए आप लोग से शॉप पे पहुँच के मिलते हैं, हमें पुश करना पड़ता है कि हाँ गियर लग जाना चाहिए, बट जब इसको चेंज कर देंगे तो इसमें ये जो प्ले है ना ये ख़त्म हो जाएगा जब इसमें ये डाल देंगे। तो आप लोग को इसका प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे इसको डालना है। तो हम लोग शॉप पर चलते हैं, शॉप पर पहुँचने के बाद
आप देखिए इसमें कितना कम प्ले। Thank you.